तो बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उपद्रवियों की भीड़ ने पीएम आवास पर हमला बोल दिया। बेकाबू भीड़ संसद भवन में भी घुस गई, जमकर वहां लूटपाट की गई और सेना के वाहनों पर प्रदर्शनकारी चढ़े हुए दिखाई दिए। कई अहम इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने की खबर फैलते ही प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारी गण भवन के द्वार पर चढ़ गए। विजयी मुस्कान और पूरे जोश के साथ ये लोग विक्ट्री साइन दिखाते हुए प्रधानमंत्री के आवास में दाखिल हुए। जिस ड्राइंग रूम में कभी प्रधानमंत्री शेख हसीना शाही अंदाज में बैठा करती थी, वहां जमकर हुड़दंग हुआ और लूटपाट की गई। बांग्लादेश की सबसे सुरक्षित इमारतों में एक माने जाने वाले प्रधानमंत्री आवास में धुएं के गुबार के बीच प्रदर्शनकारी लूटपाट करते नजर आए। टीवी, कुर्सियां, मेज, पंखे, किताबें, एक खिलौना कार, तकिया और रजाई, कपड़े, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स भी नहीं छोड़े। कुछ लोगों के हाथ कैश लगा, जिसे बकायदा टेबल पर रख कर इत्मीनान से गिना गया। इसके बाद नंबर था खाने का। किचन में जो कुछ मिला प्रदर्शनकारियों ने उसका पूरा स्वाद लिया। मुर्गियों से मछली तक, मिठाई के डिब्बे से लेकर बिरयानी तक प्रदर्शनकारियों ने जमकर दावत की। पीएम आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने सैन्य बख्तरबंद वाहन पर बांग्लादेशी झंडे लहराए। बांग्लादेश की संसद में भी ऐसी ही अराजकता की तस्वीरें सामने आईं। प्रदर्शनकारी टेबलों पर चढ़ गए, सेल्फी खींची, सांसद की कुर्सियों पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी इतने पर ही नहीं रुके, ढाका में बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के घर को भी लूट लिया गया। अवामी लीग के दफ्तर, मुजीब म्यूजियम, पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर भी तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा के घर में आग लगा दी। सरकार समर्थक टीवी स्टेशन के बाहर आगजनी की गई। सड़कों पर सेना के जवान तैनात नजर आए, लेकिन किसी ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि बांग्लादेश की पुलिस व्यवस्था किस तरह चरमरा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर की। उन्होंने दावा किया कि अगर 3 दिन के अंदर हालात काबू में नहीं आए तो बांग्लादेश जमात और कट्टरपंथियों के हाथों में चला जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने सरकार को आगाह करते हुए दावा किया कि आने वाले कुछ ही दिन में करीब 1 करोड़ शरणार्थी पश्चिम बंगाल में एंट्री कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। এক কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। বাংলাদেশে হিন্দু কোতল চলছে। রংপুরের কাউন্সিলর, নগর পরিষদের হারাধন নায়ক, তাকে খুন করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জে 13 জন পুলিশ খুন হয়েছে, থানার মধ্যে 9 জন হিন্দু। নোয়াখালীতে হিন্দু বাড়ি পোড়ানো হয়েছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে বলবো, অবিলম্বে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলুন, কারণ সিএতে পরিষ্কার আছে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যদি কাউকে মার খেয়ে আসতে হয় আমাদের দেশ নেবে। এটা অলরেডি পার্লামেন্ট করেছে। আমি আপনাকে বলছি,
এই পরিস্থিতি যদি তিন দিনের মধ্যে কন্ট্রোল না হয়, জামাতের হাতে মৌলবাদীদের হাতে বাংলাদেশ যাচ্ছে। 1 কোটির বেশি হিন্দু শরণার্থীকে নেওয়ার জন্য সবাই মানসিক প্রস্তুতি নেন, আমি তো প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছি। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि बेहद गंभीर विषय है, इस पर बहुत संभल कर बोलने की जरूरत है। कि पड़ोसी मुल्क है और वहां से यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, ऐसे में एक भी कोई गलत कदम दोनों देशों को अशांत कर सकता है, आग के छींटे हमारे देश में भी पड़ सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को भी बहुत संयमित तरीके से इसको संभालना चाहिए और जो भी नेता है, चाहे वो भाजपा के हों चाहे दूसरी पार्टियों के, उनको भी अपने बयान को बहुत संयमित रूप से देना चाहिए, ना कि कोई उग्र बयान देकर लोगों की जो मनोभावना है उसको भड़का दे। नहीं भड़काना चाहिए, भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए, बल्कि शांति के साथ इस विकट सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि आपको याद, सूर्याग्नि रॉय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सूर्याग्नि, आपका रुख करते हुए, शुभेंदु अधिकारी ने आशंका जताई है कि लगभग 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है बॉर्डर्स पर, ये संभव हो सकेगा? Yes. सूर्याग्नि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए ये शुभेंदु अधिकारी का दावा है, और जैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टिप्पणी जो है वो की है। कल ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि इसको लेके राजनीति नहीं करनी चाहिए और केंद्र सरकार जो करेगी उसका समर्थन ऑब्वियसली स्टेट उसको करेगी भी, और क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इश्यू है और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये ममता बनर्जी ने भी कहा। फिर से यहाँ पे पेट्रोपोल बॉर्डर में आपको लाइव तस्वीरें दिखा दे, ये बांग्लादेश का सीमा है और इसके ठीक पीछे ही बांग्लादेश की जो भूमि है वो है, और ट्रक जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं क्लोजली कहूं, मेरे कैमरा पर्सन को जूम इन करने के लिए